अपनी कमांड मजाक सब। इस 15 अगस्त को पीएम मोदी ने कई विषय पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए लोगों से अपील की। जल संकट से देश को उबारने के लिए जल संरक्षण को लेकर अपील, तो प्लास्टिक के होने वाले इस्तेमाल को रोकने के लिए पॉलिथीन का इस्तेमाल ना करने की अपील, बेकाबू से बढ़ रही जनसंख्या रोकने को लेकर अपील, तो फसलों में किए जाने वाले केमिकल का इस्तेमाल ना करने की अपील, और देश के पर्यटन को बढ़ावा देने के इरादे से देश के लोगों से देश के टूरिस्ट स्थलों पर जाने को लेकर अपील। लेकिन आज हम पूर्वोत्तर के उन जगहों के बारे में आपको बताने वाले हैं जो पीएम मोदी की ड्रीम टूरिस्ट डेस्टिनेशन की सूची में शामिल होने वाले हैं। पीएम मोदी की ड्रीम टूरिस्ट डेस्टिनेशन की लिस्ट में पहला नाम है सिक्किम का गंगटोक। कहा जाता है कि यहाँ उगते सूरज को काफी करीब से देखा जाता है। दूसरा है असम का काजीरंगा पार्क। ये पार्क काफी बड़ा है। यहाँ एक सींग वाले गैंडे की प्रजाति को देखा जा सकता है। ये यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल है। तीसरा है लाचुंग। सिक्किम का ये गांव है जो प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ है। माना जाता है कि यहाँ की अद्भुत घाटी में अगर कोई ध्यान लगाए बैठे तो मानो स्वयं को ही भूल जाए। और चौथा है पेलिंग। ये भी सिक्किम का गांव है। यहाँ बर्फ से ढके पहाड़ और पहाड़ों की चोटियों से दिखने वाले मनोरम दृश्य पर्यटकों को बहुत लुभाते हैं। पीएम मोदी भली भांति समझते हैं कि देश में पर्यटन रोजगार के बड़े अवसर पैदा कर सकता है, इसलिए उनका शुरुआत से ही इस पर खासा जोर रहा है। मोदी सरकार अपने पहले कार्यकाल से ही पूर्वोत्तर राज्यों में विकास की बयार बहाने के इरादे से इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा रही है। कई रेलवे लाइन और हवाई अड्डे के विस्तार से पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ी है और अब पूर्वोत्तर राज्यों का सफर पहले से काफी आसान और सुरक्षित हो गया है। लिहाजा लोगों से अब पीएम मोदी इन जगहों पर जाने की अपील कर रहे हैं।